तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रैवल आफ्टर कोरोना वायरस। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप अपने ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं आफ्टर दिस कोरोना सिचुएशन। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से काफ़ी कुछ बदल चुका है, हमारी लाइफ एक डिफरेंट मोड ले चुकी है, चाहे वो हमारे नॉर्मल रूटीन की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें, पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें। इस कोरोना वायरस ने हमें कम्प्लीटली चेंज कर दिया, हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप ट्रैवलिंग आपका प्रोफेशनल है, इसी से जुड़े हुए आप काम करते हैं, तो कैसे आप अपने ट्रैवल प्लान बना सकते हैं या किस तरह के चेंजेस आपके प्लानिंग में या आपके ट्रैवल फ्यूचर में आने वाले हैं, उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 पॉइंट्स जिनकी मदद से हम अपने ट्रैवल प्लान्स को आगे बना सकते हैं या जिनको ध्यान में रख के हमें अपने ट्रैवल प्लान्स को आगे चल के बनाना होगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट दैट सब्सक्राइब बटन और पार्ट बन जाइए टीजी फैमिली का। हम आपके लिए ट्रैवल से जुड़े वीडियोस, यूट्यूब लर्निंग से जुड़े वीडियोस और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट दैट बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं वो 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इज डेस्टिनेशन। दोस्तों डेस्टिनेशन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, ऑफकोर्स सबसे पहले आप अपना डेस्टिनेशन चूज करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप डोमेस्टिक ही ट्रैवल करें, यानी कि कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहां से आपको रोड कनेक्टिविटी मिलती है, यानी जहां तक आप अपने प्राइवेट कन्वेंस में जा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट कैब हो, चाहे वो बाइक हो, कार हो, प्राइवेट टैक्सी हो, कैसे भी। अगर आप ऐसे डेस्टिनेशन को चूज़ करते हैं तो आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, ईजिली जा पाएंगे थ्रू द रोड अपनी बाइक, अपने कैब, अपनी गाड़ी के थ्रू, और आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा, आपको लोगों से कॉन्टैक्ट में आने का खतरा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे, इन किसी भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप वहाँ पर वायरस को स्प्रेड होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। सो सबसे पहला सजेशन तो हमारा यही रहेगा कि आप ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करें, आप कोशिश करें कि आप ऐसी डेस्टिनेशन को कवर करें, ऐसी डेस्टिनेशन पे जाएं घूमने के लिए जो कि आपकी रोड कनेक्टिविटी पर हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करें। इवन अगर आप किसी दूर की डिस्टेंस में जा भी रहे हैं अपनी गाड़ी से भी, तो आपका एक बेनिफिट ये भी होता है, अगर आप अपनी बाइक या अपनी प्राइवेट कैब या फिर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपको एक बेनिफिट मिलता है कि वहाँ पर जो पब्लिक लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं अपने ही व्हीकल पर जाने से। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो पहला पॉइंट, डेस्टिनेशन को ऐसी सेलेक्ट कीजिए, डेस्टिनेशन ऐसी सेलेक्ट कीजिए जो कि विद इन द आपकी डोमेस्टिक आपकी पैरामीटर पे हो, और ऐसे पैरामीटर पे हो जहां पर आप प्राइवेट कन्वेंस से जा सकते हो। सेकंड पॉइंट आपका स्टे। आप कहीं भी वेकेशन के लिए जाएं, ट्रैवलिंग करने के लिए जाएं, तो आपको काफी हद तक डिपेंड होना पड़ता है अपनी अकोमोडेशन के लिए, यानी कि आप कहां पे स्टे करेंगे। इसके लिए आपको अब क्या सोचना होगा, आपको ऐसे होटल्स को सर्च आउट करना होगा जो लेस क्राउडेड हैं, होम स्टे के लिए आप जा सकते हैं, ऐसे होटल्स या ऐसे होम स्टे को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आउट ऑफ मेन सिटी से थोड़ा सा दूर हो, जहां पर आप चेक कर सके कि उनकी जो सैनिटाइजेशन या फिर हाइजीनिक पॉइंट्स हैं वो अच्छे से वो मेंटेन कर रहे हो। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि कोई भी स्टे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो होटल, चाहे वो होम स्टे या फिर कोई दूर की प्रॉपर्टी, कैसी भी, कोशिश कीजिए ऐसी जगह को सिलेक्ट कर पाएं जो कि लेस क्राउडेड हो, सिटी से थोड़ा दूर हो, सैनिटाइजेशन और हाइजीनिक का अच्छे से वहाँ ख्याल रखा जाता हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर दोस्तों वो ये है कि आप ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू जाएं या फिर ऐसे नेटवर्क के थ्रू जाएं जहाँ पर आपको कैंसिलेशन की ऑप्शन मिलती हो, यानी कि आप अगर जो भी अपनी बुकिंग करी प्रीपेड की, अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपकी पेमेंट पूरी की पूरी वापस हो जाए। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि कुछ हमें पता नहीं है कि कभी भी बॉर्डर्स को सील कर दे सकते हैं, सिचुएशन ख़राब हो सकती है, आपकी जो प्लानिंग है वो कभी भी कैंसिल हो सकती है। तो ऐसे में आपको ऐसे सही तरीके से, सही वेबसाइट से, सही एजेंसी, सही कोऑर्डिनेटर के थ्रू आपको बुकिंग करनी है जहां पर आपको कैंसिलेशन की प्राइस मिल सके, यानी कि अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका पैसा मरे नहीं, आपका पैसा डंप नहीं हो। सो चूज़ योर स्टे होम होटल वाइजली। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 इज सैनिटाइजेशन एंड सेल्फ केयर। आज से पहले और आज के बाद लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। अगर आप देखें आज हर एक बंदे के पास में सैनिटाइज़र, पॉकेट सैनिटाइज़र ज़रूर होता है। तो अब ये सोचिए कि आपको सैनिटाइजेशन का कितना ख्याल रखना है, चाहे वो आप लगेज के हिसाब से सोच लें, चाहे वो आप छोटी से छोटी चीज़ अपने पास रखते हो, चाहे वो आपका लाइसेंस हो, आपका पर्स हो, वॉच हो,
एसेसरीज हो, आपकी कपड़े हो, बैग हो, सब आपको सैनिटाइज करना होता है। तो ऐसे में आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप अपने आप को कैसे सैनिटाइज रखें और जिनके कांटेक्ट में आप आ रहे हैं उस चीज़ को कैसे सैनिटाइज करें। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्लस आपको अपने बजट में एक चीज़ और, ट्रैवलिंग बजट में आपको एक और चीज़ ऐड करनी होगी, वो होगा मास्क एंड सैनिटाइजेशन एंड सेल्फ केयर प्रोडक्ट। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो आप कोई भी ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, ट्रैवलिंग बजट अपना बना रहे हैं, तो उसमें आपको सैनिटाइजेशन की बजट भी रखनी होगी, यानी कि मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे आपकी ट्रैवलिंग किट का। एंड दिस इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की जो बाद की सिचुएशन है, उसने ये सैनिटाइजेशन किट को हमारे लिए मैंडेटरी कर दिया है, एकदम मस्ट कर दिया है, कि इसके बिना हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते, अब घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। वैसे ऐसे में ये चीज़ ट्रैवल प्लान के कितना इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, यानी ट्रैवल किट के सारे पार्ट बन चुकी है आपकी सैनिटाइजेशन किट। पॉइंट नंबर 4 इज़ कैशलेस पेमेंट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बाहर जाएंगे तो आप ऑफ कोर्स आपकी पब्लिक डीलिंग होगी, आप खाने का सामान ले सकते हैं, कोई और शॉपिंग कर सकते हैं, कई सारी चीज़ आपको लेनी होगी। और अगर आप कैश का लेन देन करते हैं तो ऐसे में ये भी काफ़ी बड़े चांसेस हो सकते हैं स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस का, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सो आपको अपनी पूरी पेमेंट प्रोसेस को कैशलेस करना होगा, यानी ऑनलाइन पेमेंट, जो मोबाइल ऐप्स पे पेमेंट आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने रूटीन में लानी होगी। हालांकि हम कई हद तक तो कर चुके हैं, बट इसे अब हमें 100% तक करना होगा, एटलीस्ट 99% तो हमें करना ही होगा। अगर आप डोमेस्टिक ही ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे में तो आपके पास प्रॉब्ली सारे ऐप्स होंगे, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कहीं जाते हैं तो आप वहाँ पर कौन सी ज़्यादा एप्लीकेशन चलती हैं इसके बारे में रिसर्च कर लें और उसको इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन पे, ताकि जब आप वहाँ जाएँ तो आप इजीली पेमेंट कर सकें ऑनलाइन मोबाइल ऐप के थ्रू, मे बी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो कैशलेस पेमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रैवल प्लान्स का। तो दिस इज़ आवर फोर्थ पॉइंट, कैशलेस पेमेंट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ लगेज। तो दोस्तों आज से पहले, इस कोरोना वायरस की सिचुएशन से पहले, जैसे आप ट्रैवल करते थे और अब जो आप ट्रैवल करेंगे वो कम्प्लीटली एक चेंज वे होगा, और वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। और उसी तरीके से अगर आप ट्रैवल करते हैं तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। यही हमारा फिफ्थ पॉइंट है, आपका लगेज। आपको अब से आपकी लगेज को 50% से भी कम करना होगा, यानी कि जहाँ पर आप पहले बैग्स को अच्छे से भर भर के ले जाते थे, अब आपको अपनी ट्रैवलिंग किट को, ट्रैवलिंग बैगेज को बिल्कुल कम करना होगा। आपको कम से कम पैकिंग करनी होगी, कम से कम एसेसरीज रखनी होगी, ताकि आपको सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। कम से कम आपको सैनिटाइजेशन करने की सिचुएशन से बचना है, तो इसके लिए आपको अपने लगेज पे कंट्रोल करना होगा, लगेज को कम से कम करना होगा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ट्रैवल करना। पॉसिबली आपको लग रहा होगा लगेज इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट लेकिन आज के बाद से, इस सिचुएशन के बाद से, लगेज वुड बी अ प्रॉब्लम अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेंगे। सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा आपको, आपके बैग को, आपके कपड़ों को, हर एक चीज को। तो कम से कम चीजें अगर आप ले जाएंगे तो आपका उतना कम आपको टेक केयर करना पड़ेगा, उतना कम आपको सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों अब वक्त है बोनस पॉइंट का, और जो कि बहुत कमाल का है, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, एडवेंचर ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की सिचुएशन में नहीं जा पा रहे हैं, अभी तक नहीं जा पा रहे थे और आगे प्लान कर रहे हैं और काफी टेंशन में, तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ ऐसी कंपनी का नाम जिसका नाम है ट्रिपी व्हील्स। और वो एक कैरावैन की फैसिलिटी देती हैं, एक ऐसी अमेजिंग सी वैन जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं, आपका प्राइवेट व्हीकल होगा। कैरावैन के बारे में आपने सुना ही होगा, वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे हमारे देश में बंजारे होते थे उस तरीके से आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब आप उसी में ट्रैवल करेंगे, वही आपका स्टे रहेगा। तो ये काफ़ी सेफ और बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी डिटेल्स दे दी हैं, हालांकि स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बट क्योंकि वो इंडिया में है और कुछ सिटीज़ में भी लिमिटेड है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उस नियरेस्ट हैं उन कंपनी के, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप एडवेंचर ट्रिप पर जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये कैरावैन फैसिलिटी आपके लिए बहुत ही अमेजिंग हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान में रखना है, आपको अपनी रूटीन को बहुत अच्छा करना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है, ताकि जब आप ट्रैवल करें तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो, अगर आपको वायरस या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो आप उससे बच भी पाएँ। आपको काफ़ी बेसिक लग रही होगी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे ट्रैवल करना चाहते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये थे वो 5 पॉइंट जिनकी मदद से आप अपने फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स कर सकते हैं आफ्टर दिस कोरोना सिचुएशन। मैं होप करता हूँ आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, ये पॉइंट्स आपके यूजफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से कमेंट करके हमें बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बी पार्ट ऑफ टीजी फैमिली, और घंटी को बजाना ना भूलें, प्रेस दैट बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी आपके लिए हम नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपो गाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।